ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, एक क्विक रिविजन ओजोनोलिसिस का देखते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है ओजोनोलिसिस दो तरह का है, एक ओजोनोलिसिस रिडक्शन और एक ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन, यानी मॉलिक्यूल कोई भी एल्कीन हो या एल्काइन हो उसका ओजोनोलिसिस जब हम करते हैं तो पहले तो वो बहुत अच्छी ऑक्सीडाइज हो जाती है। अब उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं ओजोनाइट कंपाउंड, उसका आपको रिडक्शन करना है या उसका ऑक्सीडेशन करना है ये हम देखते हैं। ओराल कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन ओजोनाइट का आप ऑक्सीडेशन देख रहे हैं फर्दर या उसका रिडक्शन। तो इस तरह से मैंने ओजोनोलिसिस को हम दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। यानी पहले हम कर रहे हैं ओजोनोलिसिस रिडक्शन, इसके लिए ओजोन और जिंक ले रहे हैं, इज दैट क्लियर। इसमें दो रूल लगते हैं, फर्स्ट रूल कि जितने भी डबल बॉन्ड है उन सबको रिप्लेस कर दो ऑक्सीजन एटम से, जितने भी डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को काटो, चाकू से काट दो और एक तरफ ऑक्सीजन लगा दो और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन लगा दो, और ये भूल जाओ कि बीच में दूसरी तरफ हाइड्रोजन है या एल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। इवन ये बेंजीन रिंग कोई भी जितने भी डबल बॉन्ड है उसको भी एक एक करके काटता जाता है। तो यानी जो कंपाउंड एक तरह से एरोमेटिसिटी भी खत्म कर दे, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रूल नंबर वन है, आप किसी भी तरह का कंपाउंड में डबल बॉन्ड को काटो और उसकी जगह ऑक्सीजन लगाओ, यानी एक डबल बॉन्ड कटेगा तो कितने ऑक्सीजन लगेंगे, दो, एक इस वाले कार्बन पे एक इस वाले, तो एक डबल बॉन्ड कट हटते ही आपको दो ऑक्सीजन लगाने। रूल नंबर टू, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ऑल ट्रिपल बॉन्ड रिप्लेस बाय डाइकीटोन्स, यानी कहने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड को ही उड़ाना है, सिग्मा को नहीं उड़ाना है, और जैसे ही दो पाई को हटाएंगे तो इस कार्बन को भी ऑक्सीजन मिलेगा और इस कार्बन को भी ऑक्सीजन मिलेगा, यानी डाई कीटोन्स आपको मिलेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को किससे रिप्लेस करोगे, डाई कीटोन, ये डाई कीटोन, यहां आर है या एस ए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पर तो यहां आर है या एच ए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रिडक्शन में, मैं फिर बोल रहा हूं। दूसरी तरफ हम जब नेक्स्ट कर रहे हैं ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर भी ओजोन ली जाएगी, पहले ओजोनाइट कंपाउंड बनेगा, उसके बाद H2R2 आप एक अलग से सब्सटेंस मिलाएंगे जो फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा। तो रूल नंबर वन, ऑल डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय ऑक्सीजन एटम्स एंड कार्बोनाइल हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH ग्रुप, यानी वहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से रिप्लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ कार्बोनाइल हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा, किससे, OH से। आओ देखते हैं कैसे, ये मेरे पास एक एल्कीन है तो ये डबल बॉन्ड मैंने क्रॉस करा, क्रॉस करते इस कार्बन पे भी ऑक्सीजन लगा दिया, उस कार्बन पे भी ऑक्सीजन लगा दिया ना, तो एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर जितने भी कार्बोनाइल हाइड्रोजन है, कार्बोनाइल हाइड्रोजन का मतलब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ आप कार्बोनाइल बन जाएगा, इस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो, OH से, ये कर दिया, इस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो, OH से, इस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो, OH से, इस आर को किससे रिप्लेस करो, किसी से मत करो, आर को रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो ये कार्बोनाइल वाला हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा, OH से, OH से। अब एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है तो वापस H2O निकाल के क्या बना लोगे, CO2, इज दैट क्लियर। तो ये CO2 बन जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रूल नंबर टू, ऑल ट्रिपल बॉन्ड्स रिप्लेस बाय ऑक्सीजन एंड OH ग्रुप, ऑल ट्रिपल बॉन्ड रिप्लेस बाय OH ग्रुप एंड कार्बोनाइल हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH ग्रुप, यानी जब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को सीधा काटो, एक को ट्रिपल बॉन्ड में एक को डबल बॉन्ड हो और एक OH दे दे, दूसरे को भी डबल बॉन्ड हो OH। अब बात आती है कार्बोनाइल हाइड्रोजन, यानी इस तरफ वाली हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है उसको किससे रिप्लेस कर दो, यहाँ पर OH से, उस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो, OH से, यहाँ आर है, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, उसको किससे रिप्लेस करो, किसी से मत करो। तो ओवरऑल आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है भाई ये एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CO2, जबकि वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी ट्रिक है, रिविजन है, आप इसको क्विक रिविजन की तरह देख सकते हैं ओजोनोलिसिस। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, लेकिन पहले इसको एक बार आप आराम से उतार लीजिए, लिखिए इसको। हाँ तो मित्रों, कुछ और एग्जाम्पल हम कर रहे हैं प्रैक्टिस ओजोनोलिसिस की। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, इसमें आपने एक एल्कीन दी गई है, और एल्कीन दी गई है तो यहाँ पर आपको बस ये क्रैक करना है डबल बॉन्ड को, और जब आप डबल बॉन्ड को क्रैक करेंगे तो उसके बाद ये देखना है जिंक है या H2O2 है, जिंक है तो डबल बॉन्ड को ही क्रैक करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड को क्रैक करो और ऑक्सीजन लगाओ, डबल बॉन्ड को क्रैक करो और ऑक्सीजन लगाओ, कितना ईजी है, बस ये करना है, और नीचे भी ऐसा ही कुछ करना है, डबल बॉन्ड को क्रैक करो और ऑक्सीजन लगाओ,
डबल बॉन्ड को क्रेक करा, ऑक्सीजन लगाया, इज दैट क्लियर? लेकिन क्योंकि H2O2 है तो जो कार्बोनाइल हाइड्रोजन है उसको किससे रिप्लेस कर दो, OH से, और OH से। अगर H2O2 नहीं है तो ये हाइड्रोजन को एज इट इज छोड़ दो आप, ये हाइड्रोजन को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा, ये नीचे वाली प्रोडक्ट में रिएक्शन में प्रोडक्ट रहेगा। अब यहाँ क्या रखना है, देखिए ये डबल बॉन्ड को ओ और यहाँ डबल बॉन्ड को ओ, इस तरह से रहेगा, तो ये इस तरह से ब्रेक हो रहा है, ये इस तरह से ब्रेक हो रहा है, तो हर कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ऐसे, क्योंकि 1 2 3 थ्री रहेंगे तो थ्री मॉलिक्यूल ये रहेंगे, लेकिन आप साथ में क्या देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन भी देख रहे हैं, और थ्री मॉलिक्यूल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन जब H2O2 लेंगे तो ये कार्बोनाइल हाइड्रोजन को आप किससे रिप्लेस कर दो, OH से, तो आपको ये चीज कुछ इस तरह की दिखाई देगी। बस तो आप एक काम करो, पहले जिंक के साथ रिएक्शन कर लो, फिर H2O2 के साथ करोगे तो आपको बहुत आसानी से रहेगा, जितने भी कार्बोनाइल हाइड्रोजन है उसको किससे रिप्लेस करोगे आप, OH से। यहाँ देखिए कितना आसान है, डबल बॉन्ड ओ ये आपके पास बन गया, फिर डबल बॉन्ड ओ एक और प्रोडक्ट हो गया, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आपके पास एक कार्बन फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर नेक्स्ट इस जगह एक और प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद इस तरह से कार्बन, तो तीन प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। कार्बन जरूर गिन लो लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बिल्कुल सही है। अब लास्ट में H2O2 को देख लो आप, तो यहाँ H2O2 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है जो OH से रिप्लेस होगा, यहाँ पर भी फर्क पड़ेगा, एक हाइड्रोजन है जो OH से रिप्लेस होगा, यहाँ पर भी फर्क पड़ेगा, एक हाइड्रोजन है जो OH से रिप्लेस होगा, तो फाइनल H2O2 में आपको ये प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है और आप ओजोनोलिसिस देख रहे हैं, तो सेम वही अप्रोच लगाओ आप कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन, और ऊपर वाला जो कार्बन है उसके लिए ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, ये तो ऊपर वाले का रहा, अब यानी ये बॉन्ड टूट दिया तो ये दो प्रोडक्ट हो गए, अब यहाँ पर जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड और यहाँ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड, तो फाइनली आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा जो अजीब सा दिख रहा है। ओके, अब नीचे के भी कंपाउंड है वो इस तरह से दिखेंगे आपको, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर CH3, इस तरह से आपको एक और कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब अगर आप H2O2 ले रहे हो तो बस करना कुछ भी नहीं है, जितने भी हैं सी कार्बोनाइल हाइड्रोजन इसमें तो है ही नहीं, लेकिन नीचे जितने भी हाइड्रोजन है उसको OH से रिप्लेस कर दो, ये आपने रिप्लेस कर दिया OH से, हाइड्रोजन जितने भी हैं रिप्लेस कर दो, ऊपर वाले के साथ आप क्या करो, OH OH और डबल बॉन्ड O, यानी फाइनली ये CO2 में चेंज हो जाएगा क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है, इज दैट क्लियर? यहां पर आप क्या करोगे, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये वाला एच, फिर डबल बॉन्ड ओ ओ एच और नीचे वाला आपके पास क्या रह जाएगा, CH3, तो ये आपके पास रहेगा यहाँ पर। ये देखिए ये बहुत अलग सा कंपाउंड है, यहाँ पर क्या करोगे आप, डबल बॉन्ड ओ, फिर इस तरफ गया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ओ, फिर इस तरफ डबल बॉन्ड ओ और ये अटैच हो रहा है आपके पास डबल बॉन्ड ओ के साथ, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ओ और ये जो कार्बन आएगा इसके साथ, तो आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां आपके पास जो आ रहा है कार्बन इस जगह 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। अब बात आती है H2O2 के साथ आप क्या करेंगे, जब H2O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास यहां पर जितने भी हाइड्रोजन है कार्बोनाइल वाले वो आप OH से रिप्लेस कर दो, लाइक दिस, ये रिप्लेस कर दिया, ये पूरे रिप्लेस करते चले जाओ इस तरह से, मैंने ये भी कर दिया, और नेक्स्ट ये वाला जो है यहां भी आपके पास OH डबल बॉन्ड ओ OH, और इस तरह से आप हर चीज को रिप्लेस करते चले जाओ, आ रही है बात समझ में? लास्ट वाला है आप खुद कर लीजिए, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसमें जिंक वाला जो है वो आंसर आपका आएगा,
ये रहा, बहुत आसान है, इज दैट क्लियर? और H2O2 में आपका आंसर आएगा ये, तो देखो कोई ज्यादा टफ है नहीं, आप इसको करें, लिखें इसको, कार्बन काउंट करके आप अपनी गलती का पता लगा सकते हैं अगर आपसे जल्दीबाजी में कोई गलती हुई है। कोशिश करें, ध्यान से करें, इनको लिखें इसको।